जो चाहे तो वो सुषमा स्वराज जो कर रही थी, जो शरद पवार कर रहे थे, वो राजनीति का एक हिस्सा था और उसके जरिए। लेकिन दूसरी तरफ निश्चित तौर पे हमारे लिए सवाल है कि क्या हम एक मिसोजिनिस्ट समाज हैं, और कई बार दिखाई पड़ता है। सोनिया गांधी एक कास्टलेस महिला, ये इस देश का जो अपना बुनावट है वो जाति स्ट्रक्चर का बुनावट है, लेकिन वो जिस समाज से आती हैं वो एक पूरी तरह से कास्टलेस समाज है। एक कास्टलेस महिला आती हैं और अपने तमाम चुनौतियों के बावजूद, जिस तरह के अपमान झेलने पड़े, आगे भी हम लोग और बात करेंगे क्या क्या कहा गया। ये प्रसंग इसी में चीज और जोड़ दूं साथ साथ, स्मृति ईरानी वाला भी, जब बारवाला का हमला कई जगह हो रहा है, ये सारी चीजें सोनिया गांधी के लिए कही गई हैं, गाय बछड़ा शीर्ष से चीजें कही गई हैं। तो ये सब तो उनके साथ जो होता रहा है वो होता ही रहा है। इसके अलावा जो आपके देश में आकर के आप बहू बन करके आती है, और इस पर मैंने कभी बहुत विस्तार से लिखा है, एक लेख लिखा था 2005 में जब विवाद चल रहा था, कि ये आपके लिए गर्व का विषय कई बार होता है कि एक अंग्रेज महिला आई थी, तो अंग्रेज महिला के प्रति एक जो भाव होता है वो, लेकिन लेकिन जैसे आपके घर में बहू के प्रति एक आम भारतीय घरों में जो एक खास आप देखेंगे कि एक मनोसंरचना होती है, तो उस तरह का आपने झेलना पड़ा। आपने उनको बेटी नहीं माना, और आपने वो बहू हुई, उन्होंने सिटीजनशिप भी हासिल किया आगे चल करके, लेकिन आप नागरिक मानने को तैयार। आप सही कह रही हैं मनोरमा, कि आप मॉरिशस हो या इंग्लैंड हो या कहीं दूसरी जगह, कोई भारतीय कॉरपोरेटर बनता है, प्रधानमंत्री की होड़ में जाता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति, तो आपको गर्व होता है, लेकिन आप ऐसे डेमोक्रेटिक समाज भी नहीं है कि आप अपने यहाँ ऐसी घटना घटने भी दें। आज स्थिति ये आ गई थी कि उस वक्त जब सोनिया गांधी को छोड़ना पड़ा था। तो कुल मिलाकर के राजनीति अपार्ट एक सोसाइटी के रूप में सोनिया गांधी के साथ किया गया व्यवहार, और कांग्रेस के सामने भी सवाल है, हम आगे दिनेश जी से भी बात करेंगे और दूसरे लोग भी, कि कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी की ताकत को नहीं समझा, कास्टलेसनेस को नहीं समझा। तीन थिंक टैंकर्स ने राहुल गांधी को, जो कई पीढ़ियों से, एक हम लोगों ने एपिसोड किया भी था कि पारसी दादा और क्रिश्चियन माँ का बेटा कैसे हुआ, तो राहुल गांधी को जनेऊ पहनवा दिया गया, पता नहीं ये तीन लोगों ने और कैसे क्या किया था। लेकिन जो सोनिया गांधी की जो ताकत है उसको कांग्रेस भी, और कई बार कांग्रेस की भाषा भी, वो एक जो स्त्री द्वेषी भाषा होती है, सोनिया के बचाव में आई हुई भाषा उसका, लेकिन वो ज्यादा माइन्यूट में जाना होगा। मूलतः ये है कि हमलावर ये समाज रहा है, राजनीति रही है, और तो ये सोनिया के साथ हुए अपमान का जो दोषी है वो समाज भी है और राजनेता भी है, बराबर बराबर के। जी, मनोरमा, मैं दिनेश जी के पास आती हूँ। दिनेश जी, आप मतलब इसको